क्या आप ओप्पो के मोबाइल इस्तेमाल करते हैं? उसके अंदर अगर आप कॉल को ब्लॉक करना चाहते हैं, पर्टिकुलर कोई भी लोगों का कॉल ब्लॉकिंग करना चाहते हैं, या फिर आपने कॉल ब्लॉकिंग कर दी थी वो आप ढूंढ नहीं पा रहे, तो पूरा कॉल ब्लॉकिंग फीचर्स के बारे में आज की तारीख में ओप्पो फोन के अंदर जो सेटिंग्स है उसी के बारे में विस्तार से बताएंगे। और मैं आपको बता सकता हूँ, इस छोटे से वीडियो को ध्यान से देखने के बाद आपको दोबारा इस टॉपिक को लेकर वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इस चैनल के ऊपर आपको जितने भी वीडियोस मिलेंगे, हम खुद जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कैमरा हो गए, माइक्रोफोन हो गए, हेडफोन हो गए, मोबाइल हो गए, वो सारे के सारे चीज हम इस्तेमाल करते हैं, उसी का बाद उसका रिव्यू करते हैं और कुछ ऐसे एप्लीकेशन की रिव्यू करते हैं जो प्ले स्टोर के ऊपर सबसे ज्यादा डाउनलोड है, सबसे ज्यादा रेटिंग है। तो देखो गाइस, हम जाएंगे अपने एंड्रॉइड फोन के ऊपर। यहाँ पे हमें ये जो फोन है ओप्पो के फोन है, हम जाएंगे सेटिंग्स के ऊपर। जैसी गाइस हम लोग सेटिंग्स के ऊपर आते हैं, यहाँ तक आने के बाद आपके सामने दिखने के लिए मिल जाएंगे, मैं आपको और भी अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ, मोबाइल नेटवर्क। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है, आपको नीचे आना है, यहाँ पर देखिए कॉल सेटिंग करके रह जाएंगे, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब देखिए ब्लॉक एंड फिल्टर करके रह जाएंगे, इसके बाद ना आपको बहुत सारा चीज समझना है। जैसे गाइस इसके ऊपर आप लोग क्लिक कर देते हैं, सबसे पहले आपको दिखने के लिए मिल जाएंगे ब्लॉक कॉल्स। अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, मानो आप सिम वन के कॉल को ब्लॉक करना चाहते हैं, तो बाय डिफॉल्ट सिम वन आपको सिलेक्ट होना चाहिए। अगर आप सिम टू चाहते हैं, सिम टू के ऊपर आप लोग ऐसे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद ऐसे ही हो जाएंगे। इसका मतलब ये है, यूज रूल सेट फॉर सिम वन, यानी सिम वन के जो रूल्स है वही यहाँ पर सेट हो जाएंगे। अब सिम वन के अंदर अगर आप आते हो, यहाँ पर देखिए ब्लॉक ऑल कॉल्स, अगर आप इसको एनेबल कर देते हैं, आपके फोन में जितने भी कॉल आएंगे, चाहे वो नंबर सेव है या फिर नहीं है, वो ऑल कॉल ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएंगे। उसी के साथ यहाँ पर दिखने के लिए मिल जाएंगे ब्लॉक ऑल अननोन नंबर। इसका मतलब ये है, जितने भी नंबर आपके फोन के ऊपर सेव किया हुआ नहीं है, जो नंबर नए है, वो नंबर से अगर आपके फोन के ऊपर कोई भी कॉल आते हैं, वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएंगे। उसी के साथ यहाँ पर देखिए ब्लॉक वन रिंग कॉल, यहाँ पर ब्लॉक कॉल फ्रॉम प्राइवेट नंबर, और यहाँ पर ब्लॉक कॉल बाय रीजन। ये सारे चीज ना उतना लोग उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कोई भी अगर आपको बार बार मिस कॉल दे रहे हैं, उसके पर उसका कॉल ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएंगे। उसी के साथ ब्लॉक कॉल फ्रॉम प्राइवेट नंबर, इसका मतलब ये है, कोई भी अगर प्राइवेट नंबर से आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फेक नंबर जिसे हम कहते हैं हाइड करके, नंबर हाइड करके आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके पर उसके कॉल जो है वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएंगे। उसी के साथ ब्लॉक कॉल बाय रीजन, ये हमारे गवर्नमेंट लॉ के हिसाब से ये बाय डिफॉल्ट ब्लॉक ही रहते हैं, तो यहाँ पर छेड़खानी करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बैक करते हैं, यहाँ पर आपको ब्लॉक लिस्ट दिखने के लिए मिल जाएंगे, जितने भी कॉल आप यहाँ पे ब्लॉक करेंगे, वो सारे के सारे कॉन्टैक्ट जो है वो आपको यहाँ पर दिखाएंगे। अब ऊपर की तरफ यहाँ पर एक बटन है प्लस वाला, अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, देखिए एंटर नंबर और से सिलेक्ट नंबर, ये दोनों ऑप्शन दिखने के लिए मिल जाते हैं। मानो यहाँ पर एंटर नंबर के ऊपर क्लिक करके हम कोई भी यहाँ पर नंबर डाल देते हैं, उसके बाद ये राइट बटन के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे, ये ब्लॉक नंबर मतलब ब्लॉक लिस्ट में आ चुके हैं। अगर इस नंबर से कोई कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका कॉल जो है वो ब्लॉक हो जाएंगे। अब इस केस पर अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं, तो ये जो ऑप्शन है थ्री डॉट वाला, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, एडिट के ऊपर क्लिक करना है, इसके ऊपर सिलेक्ट करना है, रिमूव के ऊपर सिलेक्ट करना है, एंड रिमूव फ्रॉम ब्लॉक लिस्ट, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ये आपके ब्लॉक लिस्ट से हट जाएंगे। उसी के साथ यहाँ पे अलाउ लिस्ट दिखने के लिए मिल जाएंगे, मतलब मानो आपने सारे कॉल जो है यहाँ पर क्लिक करके ना ब्लॉक ऑल कॉल कर दिए हैं, उसके बाद यहाँ पर उनमें से दो तीन लोगों को बस आप अलाउ कर रहे हो, कॉल करने की परमिशन दे रहे हो, तो आपको अलाउ लिस्ट के अंदर उनके नंबर डालना है। तो इसी तरीके से आप जो है ओप्पो फोन के अंदर अपने कॉल ब्लॉक जो सुविधा है उसको उपयोग कर पाएंगे। इस चैनल के ऊपर हम जितने भी वीडियो बनाते हैं, छोटे से छोटे वीडियो के अंदर नीड एंड क्लीन कंटेंट देते हैं, और जो काम की चीजें वही आपको बताने की कोशिश करते हैं। मेक श्योर गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैंने आपके लिए कीबोर्ड के एप्लीकेशन ढूंढ कर निकाले हैं, जिस कीबोर्ड के अंदर आप एनिमेशन की टेक्स्ट या फिर इमेजेस डाल सकते हो ऑटोमेटिकली, व्हाट्सएप चैटिंग, फेसबुक चैटिंग, कहीं पर भी कमाल का टेक्स्ट आप लोग लगा सकते हैं। लेफ्ट वाला वीडियो पे मैंने आपके लिए कीबोर्ड प्रोवाइड कर दी है। राइट वाला प्लेलिस्ट के ऊपर आपके लिए कुछ टॉप 3 एप्लीकेशन रहेंगे जो प्ले स्टोर के ऊपर सबसे ज्यादा डाउनलोड है, सबसे ज्यादा रेटिंग है। बीच वाला गोल बटन दबा के मेक श्योर गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इन फ्यूचर और एक बार हमारा जरूर मुलाकात हो।